हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ ज्ञानम। आई होप आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होगे। हाँ जी, आज हम रीजनिंग में जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग में होता क्या है? रैंकिंग बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट इस टॉपिक में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है जी, इसकी वेटेज कितनी है? इस टॉपिक की वेटेज है 1 to 2 मार्क्स। बट जो मैं करवाने लगी हूँ पोजीशन बेस्ड, ठीक है, रैंकिंग की जो वेटेज है ओवरऑल वो कितने की है? 5 मार्क्स। रैंकिंग में होता क्या है? रैंकिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है पोजीशन बेस्ड रैंकिंग, एक आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी जो वेटेज रहती है वो रहती है 5 मार्क्स। ठीक है जी, बैंक के एग्जाम में। और जो पोजीशन बेस्ड है इसकी वेटेज रहती है 1 to 2 मार्क्स। अगर अदर देन बैंकिंग कोई एग्जाम है तो पोजीशन बेस्ड 1 to 2 मार्क्स का ही रहता है और कंपैरिजन 2 to 3 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है जी, अब पोजीशन बेस्ड आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। पोजीशन बेस्ड रैंकिंग में होता क्या है? आपको एक पर्सन की पोजीशन दे दी जाती है। ठीक है जी, सपोज लेफ्ट से दे दी, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे दिए, आपको उसी पर्सन की पोजीशन बतानी होती है राइट हैंड साइड से। इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं पोजीशन बेस्ड रैंकिंग में। इसमें कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं? पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन अ रो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हमें किसी पर्सन की पोजीशन फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से। ठीक है, और हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हो रो में। सपोज एक बात बताती हूँ मैं आपको, हम कहते हैं, मैं स्कूल में जब एग्जाम देती थी तो मैं सेकेंड आई। अब सेकंड आना क्या होता है? हम क्या कहते हैं? सेकंड आई। सेकंड कहाँ से आए? बाय डिफॉल्ट टॉप से आए, लेफ्ट हैंड साइड से आए, है ना। कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपना रैंक सेकंड तो बताते हैं लेकिन कहाँ से बोलते हैं? नीचे से, एंड से, बॉटम से। ठीक है, वही चीज है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उसी चीजों का यूज करके टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना। ठीक है जी, मिडल नंबर ऑफ पर्सन निकालना इनर रो, राइट। और इंटरचेंज पोजीशन ऑफ पर्सन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। और एक कॉन्सेप्ट रहता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन का, राइट। ये हमने टॉपिक जो पोजीशन बेस्ड रैंकिंग में कवर करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। रूल नंबर 1, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन द रो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। आपको एक पर्सन दिया है ए और इसका रैंक जो दे दिया वो कहाँ से दे दिया? लेफ्ट हैंड साइड से दे दिया, या फिर बोलो टॉप से दे दिया, या फिर बोलो स्टार्टिंग से दे दिया, या फिर बोलो बिगिन से दे दिया। ठीक है जी, और आपको बोला जाए जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, आपको टोटल भी दे देंगे। ठीक है जी, राइट, 50 दे दिया और लेफ्ट से रैंक कितना दिया? 5th फ्रॉम लेफ्ट। आपको बोला जाए इसी ए का रैंक बताओ कहाँ से? एंड से, या फिर बोला जाए बॉटम से, या फिर बोला जाए राइट हैंड साइड से, राइट, राइट हैंड साइड से। तो आप लोग कैसे बताओगे? उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ रो प्लस 1, हम हमेशा करते हैं। ठीक है जी, माइनस जो हमें लेफ्ट से पोजीशन दी है। तो कहाँ से पोजीशन आ जाएगी हमारे पास? राइट हैंड साइड से पोजीशन आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 50, प्लस कितना करना है? 1, माइनस पोजीशन कहाँ से माइनस करनी है? लेफ्ट से। तो क्या आएगा? 51 माइनस 5th फ्रॉम लेफ्ट, कहाँ से वैल्यू आएगी? 46, कहाँ से? राइट से, राइट, हाँ जी। देखें, हाँ जी, देयर आर 12 पर्सन इन अ रो। अब आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने दे दिए? 12। द पोजीशन ऑफ विपुल इज 7th फ्रॉम लेफ्ट। विपुल की पोजीशन क्या दी? 7th, कहाँ से? लेफ्ट से। ठीक, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम राइट? हमें लेफ्ट से पोजीशन दी है, हमें राइट से पोजीशन पूछ रहे हैं। कैसे बताएंगे राइट से पोजीशन? फॉर्मूला क्या है? टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास 12 प्लस 1 30 माइनस लेफ्ट से वैल्यू क्या है 7 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है क्या आएगा 6 कहां से राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से वैल्यू क्या आएगी हमारी 6 आएगी। ठीक है फॉर्मूला क्या रहता है टोटल प्लस 1। ठीक टोटल प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस 1 क्यों हुआ क्योंकि एक ही पर्सन की पोजीशन दो बार काउंट हो गई इसलिए यहाँ पे प्लस 1 हुआ राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है टू फाइंड आउट द टोटल नंबर पर्सन इन द रो। टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना एक रो में क्या होगा यहाँ पे आपको एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से भी दे देंगे और उसी की पोजीशन आपको कहाँ से दे देंगे राइट हैंड साइड से भी दे देंगे। आपको क्या बताना होगा टोटल। हाँ जी ठीक है आपको टोटल बताना है। अब क्वेश्चन करने का लॉन्ग मेथड भी है शॉर्टकट भी है हम दोनों कवर करते हैं। चलो देखते हैं। रोहित इज स्टैंडिंग इन अ रो। ठीक जी हिज पोजीशन फ्रॉम द टॉप इज 7th। रोहित की हमें 7th पोजीशन दी है कहां से लेफ्ट हैंड साइड से एंड हिज पोजीशन फ्रॉम द बॉटम इज 10th। और बॉटम से मतलब नीचे से पोजीशन क्या है 10th। 7th कहां से है टॉप से। लॉन्ग मेथड टोटल बताना है। अब एक चीज ध्यान में रखना अगर इसका रैंक 7th है यहां से तो इस साइड कितने लोग बैठे होंगे 6। अगर इसका रैंक 10th है बॉटम से तो इसके इस साइड कितने लोग बैठे होंगे 9। टोटल कैसे निकालोगे 6 प्लस रोहित खुद हुआ प्लस इधर के 9। टोटल वैल्यू कितनी आएगी 16। पर पेपर में हमें क्या चाहिए शॉर्टकट चाहिए। अब शॉर्टकट क्या है शॉर्टकट से क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो कुछ नहीं करना। हमें 7th फ्रॉम लेफ्ट दिया 10th फ्रॉम राइट दिया। ठीक है टोटल बताना है कैसे बताएंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से रैंक कितना है मेरे पास 7th राइट से रैंक कितना है 10th माइनस क्या करेंगे 1 कितना आंसर आएगा 16 राइट। क्या मैंने आपको दो फॉर्मूले याद करवा दिए नहीं फॉर्मूला वही है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट सॉरी टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू राइट फॉर्मूला यही है। ठीक है ये लेफ्ट इधर चला गया टोटल प्लस 1 राइट प्लस लेफ्ट टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। फॉर्मूला मेरे पास एक ही है। ठीक है जी फॉर्मूला क्या था अगर एक ही पर्सन का रैंक गिवन है ठीक है टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है तो मैं उसका रैंक राइट से निकाल सकती हूँ या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है राइट से रैंक गिवन है तो मैं लेफ्ट से रैंक निकाल सकती हूँ। अगर एक पर्सन की बात हो रही है ठीक है लेफ्ट से रैंक गिवन है राइट से रैंक गिवन है तो हम दोनों को ऐड माइनस करके टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी निकाल सकते हैं। आई होप गाइस इतना क्लियर होगा। ठीक है जी हाँ जी नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में क्या है पोजीशन ऑफ वन पर्सन इज गिवन फ्रॉम द लेफ्ट एंड अगले पर्सन की दो पर्सन है यहाँ पे एक का रैंक आपको लेफ्ट से दे दिया और दूसरे का रैंक आपको राइट से दे दिया। दो लोग गिवन है यहाँ पे दो लोगों की बात होगी। ठीक है ए और बी एक का रैंक लेफ्ट से दे दिया दूसरे का रैंक राइट से दे दिया। जैसे कि दो लोगों की बात हो रही है एक का रैंक लेफ्ट से दे दिया एक का राइट से दे दिया बीच वाले पर्सन दे दिए। आपसे पूछा क्या गया है टोटल बताने की बात कर रहे हैं कैसे बताओगे लेफ्ट प्लस बीच के लोग प्लस राइट क्या आएगा हमारे पास टोटल आएगा। ठीक है हाँ जी देखिए क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन में कहा गया है द पोजीशन ऑफ आर्यन इज 12th फ्रॉम लेफ्ट। एक आर्यन है उसकी पोजीशन हमें 12th लेफ्ट दे दी। सुशांत इज 16th फ्रॉम राइट। सुशांत की जो पोजीशन है वो कितनी है 16 है राइट से। देयर आर 6 पर्सन इन बिटवीन देम इन दोनों के बीच में 6 लोग हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं। कैसे बताओगे? लेफ्ट प्लस बीच के लोग प्लस राइट, लेफ्ट प्लस बीच के लोग प्लस राइट। लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? 12th। बीच में लोग कितने हैं? 6। प्लस कहाँ की पोजीशन? राइट की। आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे तीनों को। आपके पास क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना, तीनों को ऐड कर देना। कितना आएगा? 22 प्लस 12, 34। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 34 होंगे, राइट? हाँ जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपकी है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताना है, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, पोजीशन ऑफ अनुराग। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन और कैसे आ सकता है? अनुराग की जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे बनाते भी जाओ। अनुराग की पोजीशन है 12th फ्रॉम लेफ्ट। आगे बजाज 16 फ्रॉम राइट। बजाज की पोजीशन क्या है? 16 है। कहाँ से? राइट से। देयर आर टोटल 56 पर्सन, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं? 56 लोग हैं। अब आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन देम। उन लोगों के बीच में, इन दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, आपको ये बताना है। मतलब आपको क्या बताना है? एक्स की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेफ्ट प्लस बीच के लोग प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल। कब? जब दो लोगों की बात हुई है, ठीक है जी। लेफ्ट से रैंक कितना है हमारे पास? 12th। बीच में x लोग। राइट से रैंक कितना है हमारा? 16। टोटल कितना आएगा हमारे पास? 56। हाँ जी, 12 प्लस 16 कितना है? 28 इज इक्वल टू 56। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास? माइनस 28। क्या वैल्यू आएगी? 28, राइट जी। क्लियर? क्या था फॉर्मूला? क्या था? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस एक्स प्लस राइट। कब? जब दो लोगों की बात, ठीक जी। आई होप क्लियर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रो, ठीक है जी। क्वेश्चन के साथ समझते हैं इस चीज को। खुशी इज 24th फ्रॉम लेफ्ट। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। यहाँ पे क्या किया गया? खुशी इज 24th फ्रॉम लेफ्ट बताया गया। खुशी क्या है? 24th है। कहाँ से? लेफ्ट से। और श्रवण कहाँ पे है? 27 है। कहाँ से? राइट से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो इज 62। आपको बोला गया है जो टोटल नंबर ऑफ द पर्सन है वो कितने हैं? 62 हैं। आगे लक्ष्य इज इन सेंटर ऑफ खुशी एंड श्रवण। लक्ष्य इन दोनों के सेंटर में है। अब सेंटर का मतलब क्या है? अगर इन दो लोगों की बात हुई है और ये बंदा सेंटर में है तो चार लोग अगर यहाँ पे बैठे हैं तो चार ही यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है जी। आपको क्या करना है? लक्ष्य की पोजीशन बतानी है। सबसे पहले क्या करें? बीच में कितने लोग हैं वो फाइंड करें। कैसे निकालेंगे? वही चीज, लेफ्ट प्लस एक्स प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। लेफ्ट से रैंक कितना है? 24 प्लस एक्स प्लस राइट से रैंक कितना है? 27। कितना आएगा? 62। टोटल पर्सन कितने हैं? 62 है हमारे पास, राइट। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करने पे? 11। मतलब खुशी और श्रवण के बीच में 11 लोग बैठे हैं, राइट। मैंने बीच के लोग निकाल लिए, मैंने x फाइंड कर लिया, जिसमें मैं ऑलरेडी लक्ष्य बिठा चुकी हूँ। बच्चे कितने बिठाने वाले? 10 लोग। पांच इधर हुए, पांच इधर, राइट। ठीक है जी। अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, खुशी और लक्ष्य के बीच में कितने लोग बैठे हैं, क्या बोलोगे? 5, राइट। क्या बोलोगे? 5। लेकिन पूछा क्या गया है? What is the position of लक्ष्य from left? अब लेफ्ट से पोजीशन पूछी गई है। बीच में कितने लोग हैं? 5। 1 2 3 4 5, मतलब ये पोजीशन कितनी है? 6th पोजीशन है। तो 24th फ्रॉम लेफ्ट प्लस 6 क्या आएगा? 30th फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड जाते हुए रैंक क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जैसे कि अगर किसी का रैंक 3rd फ्रॉम लेफ्ट है और किसी इस पर्सन का रैंक निकालना हो तो ये 4th 5th और ये क्या आएगा? 6th फ्रॉम लेफ्ट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड जाते हुए रैंक इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। हाँ जी, आई होप अगर आगे आपको क्लियर होगा। आगे हमसे ये भी पूछा गया है, फाइंड आउट हिज पोजीशन फ्रॉम राइट। राइट से पूछा गया है, मतलब इधर से भी ऐड करना है। 27 में कितना ऐड कर देंगे? 6 ऐड कर देंगे। बीच में 5 पर पोजीशन कितनी अवे हुई? 6। ठीक है, बीच में पांच लोग हैं पर पोजीशन कितना अवे हुई? 6। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरचेंज पोजीशन ऑफ पर्सन। इसमें क्या होगा? आपको 2 लोग दिए जाएंगे, एक ए एक बी। इसका रैंक दे देंगे लेफ्ट से, इसका रैंक दे देंगे राइट से। ठीक, आपको बोला गया है इनकी सीट को इंटरचेंज कर दो। जब सीट इंटरचेंज बोलेंगे हम एक लाइन और लगाएंगे। ठीक है, मतलब जहां पे ए बैठा है अब वहां पे ए उठ जाएगा, बी बैठ जाएगा और जो ए है वो बी की जगह पे जाके बैठ जाएगा। जब एग्जाम में हम चीटिंग करते हैं तो टीचर क्या करते हैं, हमारी पहले तो सीट चेंज करवाते हैं। ठीक है, जो जिसके साथ हम चीटिंग कर रहे होते हैं किसी और स्टूडेंट के साथ क्या करते हैं, उसे वहां से खड़ा करते हैं, हमें उसकी सीट पे भेज देते हैं और उसे हमारी सीट पे बिठा देते हैं। अब वो जो बंदा जा रहा है किसी की सीट पे, वो सिर्फ अपना बैग उठा के लेके जाता है, ना कि पूरा बेंच उठा के ले जाते हैं, है ना। जो बेंच यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे कोई भी आके बैठे, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जो बी है उसका नया रैंक हमें राइट से दे देंगे और ए का नया रैंक हमें लेफ्ट से दे देंगे। और इसी बेंच की पोजीशन अब मुझे आगे से भी पता चल गई, पीछे से भी। टोटल पूछेंगे तो मैं क्या करूंगी? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। क्यों? बेंच की पोजीशन, एक ही बेंच है, पहले लेफ्ट से पोजीशन दे दी फिर राइट से दे दी। ठीक है, बेंच तो सेम ही है, राइट। चाहे आप यहां पे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करो, आपका ये आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। पेपर में आपको सिर्फ एक का यूज करना है, दोनों का नहीं, अपना टाइम बचाना है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है? मैरी इज 14th from left, Nancy is 25th from right. ठीक है, they interchange their positions. अब इन्होंने अपनी पोजीशन को क्या करना है? इंटरचेंज करना है। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे नैन्सी आ जाएगी, यहाँ पे मैरी आ जाएगी। ठीक है, नाउ मैरी इज 39th from left. इंटरचेंज करने के बाद मैरी 39th है लेफ्ट से और नैन्सी कितनी है? 50th फ्रॉम राइट। ठीक, पूछा क्या गया है? व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। अब आप चाहे इन दोनों को ऐड -1 करो। टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 14 प्लस 50 माइनस 1 कितना आएगा? 63। ठीक है जी। हाँ जी, चाहे आप इन दोनों को ऐड -1 करो। 25 प्लस 39 माइनस 1 आंसर क्या आएगा? देखो 63 सेम आया। क्लियर जी, पर हमने एक ही का यूज करना है। अब वो क्वेश्चन को कई बार घुमाने के लिए क्या करते हैं, कई बार घुमाने के लिए इसका नया रैंक हमें लेफ्ट से देते ही नहीं। आपसे पूछा जाता है इसका नया रैंक लेफ्ट से बताओ, कैसे बताओगे? यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, कितना आएगा 63 आ गया। अब मेरे पास टोटल भी गिवन है क्योंकि जो इसका टोटल है वही इसका टोटल है, ठीक है। टोटल क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 माइनस राइट, तो यहाँ पे किसका रैंक आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट का रैंक आ जाएगा, राइट जी, हाँ जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है जो मैंने आपके लिए रखा है, ये मैं नहीं सॉल्व करवा रही, ये आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दोगे। करो जी सॉल्व, करो इसका क्वेश्चन ट्राई। हाँ जी, डू इट फास्ट। हाँ जी, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आई होप अब तक तो ये क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। इसे अटेम्प्ट करके आपने कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना है। नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। हाँ जी, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। अब ये मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी तक आपने देखा होगा हमें जब भी लेफ्ट के बारे में कहा जाता था हम इस साइड लिख देते थे और राइट की बात होती थी हम इस साइड लिख देते थे, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि एक स्टूडेंट का रैंक हो 5th फ्रॉम राइट और दूसरे स्टूडेंट का रैंक हो 4th फ्रॉम लेफ्ट। बनाते हैं, मुझे पर्सन नहीं पता, लेकिन अगर मैं बनाऊं 1 5th फ्रॉम राइट 1 2 3 4 5, तो 5th फ्रॉम राइट तो यहाँ पे आ गया 1 2 राइट, सॉरी 1 2 3 4, तो ये भी तो हो सकता है कि राइट इस साइड हो। बिल्कुल राइट इस साइड होगा, किस केस में होगा, ओवरलैपिंग या फिर बोला जाए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन के केस में जो राइट है वो इस साइड आएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में देखो, राजन इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड निपुन इज 17th फ्रॉम राइट, ठीक है। देयर इज 1 पर्सन इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। निपुन और किसके बीच में, राजन के बीच में एक पर्सन है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं। मैं कैसे बताऊंगी, अगर तो मुझे सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पर्सन बोला जाता तो मैं तीनों को ऐड कर देती, अब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बोला गया है, उसके लिए लॉन्ग मेथड क्या है, राइट को हम पहले इधर लिखेंगे और लेफ्ट को इधर, बीच में एक पर्सन, ठीक है। अगर इसका रैंक 10th फ्रॉम लेफ्ट है तो इसके एक आगे वाले का रैंक क्या होगा, 9th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक जी। इसके एक और आगे वाले का रैंक क्या होगा, 8th फ्रॉम लेफ्ट। टोटल कैसे आएगा हमारे पास, एक ही पर्सन का रैंक, ऊपर से और नीचे से पता चल गया। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। कैसे निकालोगे, 17 प्लस 8 माइनस 1, कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 24, क्लियर जी। इसका एक शॉर्टकट भी है, वो मैं शॉर्टकट आपको बता रही हूँ। शॉर्टकट क्या है, अगर मिनिमम पूछा हो लेफ्ट और राइट को ऐड कर दो माइनस जितने नंबर ऑफ पर्सन आपको क्वेश्चन में गिवन हो, नंबर ऑफ पर्सन इन क्वेश्चन, जितने नंबर ऑफ पर्सन आपको क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। लेफ्ट और राइट को ऐड किया, कितना आएगा 27 माइनस कितने नंबर ऑफ पर्सन क्वेश्चन में गिवन है, 1 2 3, आंसर कितना आएगा मेरे पास 24, ठीक है। माइनस क्या करना है, जितने नंबर ऑफ पर्सन हमें क्वेश्चन में गिवन हो, आंसर इज 24, ठीक है जी। लेफ्ट और राइट को ऐड किया और क्या किया, जितने नंबर ऑफ पर्सन हमें क्वेश्चन में गिवन हो। हाँ जी, ध्यान से करना ये क्वेश्चन। इन अ क्यू ऑफ 20 बॉयज, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 20। डी इज 14 फ्रॉम द फ्रंट, डी की वैल्यू क्या है 14 फ्रॉम द फ्रंट। एफ इज 9 फ्रॉम द राइट, ठीक है जी। हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम, मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई थी, लेफ्ट प्लस बीच वाले प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। टोटल कितना है हमारा 20, लेफ्ट और राइट को ऐड करोगे प्लस 9 कितना आएगा 23 में अगर हम कुछ ऐड करें तो क्या हम कहेंगे वो 20 के बराबर है, नहीं। यहाँ पे कभी सुना है आज क्लास में -3 बच्चे पढ़ने आए, नहीं, गलत हो गया। मतलब ये क्वेश्चन किसका है, मिनिमम का क्वेश्चन है ये, ठीक है, मिनिमम का क्वेश्चन है। अब करेंगे कैसे, मुझे 14th रैंक पता है लेफ्ट से, 9 पता है राइट से, दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। टोटल कितना गिवन है 20, किसको चेंज करना चाहो उसी को चेंज कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है जी। हाँ जी, अगर मैं इसे चेंज करूं राइट में, टोटल प्लस 1 मतलब 21 माइनस 14 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब 7 फ्रॉम राइट। इसका रैंक कितना हो गया 7 फ्रॉम राइट, बीच में क्या बचा 1 8 फ्रॉम राइट। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं 1। इसका एक शॉर्टकट भी है जो मैं आपको अभी नहीं बता रही, ठीक है, वो हम आपको अपनी क्लासेस में बताएंगे, राइट जी। आई होप यहाँ तक ये चैप्टर आपको क्लियर होगा, राइट। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो हमारा इंस्टाग्राम पे भी अपना चैनल है, राइट जी। आप यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको फ्री कोई क्विज चाहिए, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप ज्ञानम का चैनल है टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे भी चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।